झाबुआ जिले में एक बार फिर खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। खबर के संज्ञान पर विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया लोक सेवा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द ही विद्यार्थियों की समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलने से अचानक ही लोक सेवा केंद्र पर जाति, मूल निवासी सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए विद्यार्थियों के साथ पालकों की भीड़ देखने को मिल रही। सुबह से लेकर शाम तक कतार में खड़ा होने के बाद भी सर्वर डाउन होने से अभिभावक परेशान होते नजर आए। विद्यार्थियों से जुड़े इस मामले को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर का प्रसारण किया है, जिसके संज्ञान पर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया लोक सेवा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही मौके से अपर कलेक्टर से सर्वर डाउन सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की बात कही। लोक सेवा केंद्र के अंदर काफी भीड़ नजर आ रही है जाति और ये आय प्रमाण पत्र के लिए। जैसा कि आपने अभी बताया, इस संबंध में मैंने अभी ई गवर्नेंस मैनेजर हमारे यहाँ के जो है उनसे बात की। उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू है, नेट की भी प्रॉब्लम है, तो हम शॉर्ट आउट करवा रहे हैं और अभी कुछ देर में वो शॉर्ट आउट करा लेंगे, सॉल्व कर लेना है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जो आप समस्या बता रहे हैं, नेट की कोई प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट करा के और जो लोग हैं वहाँ पर हितग्राही हैं उनको हम जल्दी से जल्दी सेवा कराएँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास सूचना आई कि लोक सेवा केंद्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। सुबह 6 बजे आ रहे हैं और चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवासी का पत्र हो, हर चीज़ के लिए उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। सुबह 6-6 बजे लाइन में लग रहे हैं और उसके बाद रात को 10-10 बजे तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी असुविधा थी, लोगों को बहुत असुविधा थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में। अभी सबसे बात करी है मैंने, क्या उसका निराकरण निकल सकता है। और इसमें एक जो चीज़ देखने में आई, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 1 तारीख का डेडलाइन सब बच्चों को दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि 1 तारीख के अगर 1 तारीख तक आपने अपने सारा दस्तावेज नहीं जमा करवाए और ये लोक सेवा से ऑनलाइन करवाने के बाद तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और आज फिर SDM साहब से मेरी बात हुई, SDM साहब ने तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा था और तत्काल उस चीज़ पर संज्ञान लिया और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसको निर्देशित करा गया कि वो 1 तारीख का ऐसा कोई डेडलाइन ना रखे। अगर बच्चों को बाद में भी वो दस्तावेज देते हैं तो उनका एडमिशन होना चाहिए। कोई भी बच्चा एडमिशन दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का आश्वासन तहसीलदार साहब ने भी दिया है और जो लोक सेवा वालों से मेरी बात हुई है मैंने उनको काउंटर बढ़ाने का भी कहा है और साथ में एक टोकन सिस्टम का भी कहा है। अगर कोई टोकन लेकर जाना चाहे तो चला जाए, उसके जब पूरे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए तो उसके बाद वो अपने दस्तावेज लेकर जा सकता है। तो इस चीज़ का निराकरण करने का प्रयास करा है और मेरे को लगता है कि आज से काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को है, जो ज़्यादा चिंता में थे कि 1 तारीख तक अगर उन्होंने दस्तावेज नहीं भरे तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग यहाँ बैठे हैं, चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, जिसका जो अधिकार है उसको मिलेगा। अच्छा सर, ये KYC को लेकर लोग ज़्यादा परेशान है, उसके लिए KYC को लेकर भी एक समस्या जो सबके सामने मैंने देखी है कि आई है कि सचिवों के माध्यम से जिनको KYC ऑनलाइन करनी थी वो नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर भी मैंने बात करी है और कलेक्टर मैडम से भी बात हुई है कि इस चीज़ को जितने जल्दी इस चीज़ का निराकरण कर सकते हैं करें, क्योंकि जब तक वो ऑनलाइन नहीं होगा तब तक लोक सेवा के कार्यालय पर आकर भी अगर वो अपना पंजीयन करवाना चाहेंगे या ऑनलाइन करवाना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। तो उसको भी हम सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। एडमिशन के लिए अभी हमने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि बच्चों का एडमिशन तो करवाए, पर इन पे बिना वो निर्धारित नहीं करे कि इनको ये सारे डॉक्यूमेंट अभी तत्काल ही जमा करने हैं। टाइम लगेगा, उसको जितने भी बनता है, पर एडमिशन की डेट आगे जैसे बढ़ने की संभावना है, तो तय समय में बच्चे अपना एडमिशन तो सभी का करवाना सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य को निर्देशित कर दिया है। और होगा तो हम और जितनी भी भीड़ लग रही है उसको देखते हुए और सभी प्राचार्य को निर्देशित कर देंगे कि इस तरह से बच्चों को परेशान ना करें, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको एक। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।